देखो क्वेश्चन थोड़ा मैंने बदल दिया, मैंने क्वेश्चन ये ले लिया, मान लो मेरे पास फाइव डिफरेंट बॉल्स हैं और फोर डिफरेंट बॉक्सेस हैं, ठीक, उल्टा कर दिया, बॉल्स ले ली फाइव और बॉक्सेस ले लिए फोर। अब हमसे कहा गया कि बॉल्स आर पुट इनटू बॉक्सेस इफ वन बॉक्स कंटेन मैक्सिमम वन बॉल, है ना, कि एक बॉक्स में अधिक से अधिक एक गेंद आए। बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है और ऐसे रखना है कि एक बॉक्स में अधिक से अधिक एक गेंद आए। देखो ध्यान दो, अब पांच गेंदे हैं और चार डिब्बे हैं, तो अगर पांच गेंदों को चार डिब्बों में रखोगे तो भाई, और एक बॉक्स में अधिक से अधिक एक गेंद रखोगे तो इसका मतलब एक बॉल को जगह नहीं मिलेगी, चार ही गेंदे आप रख सकते हो। जैसे मान लो पांच लोग हैं और चार कुर्सियां पड़ी हैं, तो पांच लोगों को अगर चार कुर्सियों पर बैठाओगे तो भाई पांचों तो नहीं बैठ पाएंगे, एक आदमी को जगह नहीं मिलेगी, एक आदमी खड़ा रहेगा। वही यहां पर भी है कि अगर फाइव डिफरेंट बॉल्सेस हैं, बॉल्स हैं, फोर डिफरेंट बॉक्सेस हैं, और मैंने कहा बॉल्स को बॉक्सेस में रखो, तो ऑब्वियस ही बात है एक बॉल ऐसी होगी जिसको जगह नहीं मिलेगी, जिसको बॉक्स नहीं मिलेगा, तो एक बॉल खाली रह जाएगी, उसको अपनी जगह नहीं मिलेगी। ध्यान दो, देखो मान लो हमें इस सवाल को करना है। अब देखो हमने पहली वाली बॉल उठाई, उसको रखने के चार तरीके थे, ठीक, दूसरी वाली बॉल उठाई, अब उसको रखने का तरीका एक कम हो गया क्योंकि तो एक जगह पर आप मैक्सिमम एक ही चीज़ रख रहे हो, है ना, तो एक तरीका ऑब्वियस है, कम हो जाएगा। जो सबसे पहला हमने क्वेश्चन किया था 10 गेंदे और 3 बक्सों वाला, उसमें क्या था, एक बक्से में ज़्यादा गेंदे भी जा सकती थी, है ना। जो 10 बॉल्स और 3 बॉक्सेस वाला हमने क्वेश्चन किया था सबसे पहले, तो उसमें क्या था, एक बॉक्स में हम कितने भी बॉल्स को रख सकते थे, तभी वहां पर नंबर ऑफ वेस्ट कम नहीं हो रहे थे। पहली को रखने के 3 तरीके, दूसरी के भी 3 तरीके, 3 तरीके, 3 तरीके, क्योंकि हम एक बॉक्स में ज्यादा बॉल्स भी रख पा रहे थे। यहां पर ऐसा नहीं है। अब देखो दूसरी वाली बॉल को रखने के 3 ही तरीके, थर्ड बॉल को रखने के 2 वेज और फोर्थ बॉल को रखने का एक ही तरीका। अब देखो पांचवी जो बॉल बची उसको रखने के लिए कोई बॉक्स बचा ही नहीं, तो अब इसका मतलब जो पांचवी बॉल है उसको आप कभी रखोगे ही नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ अब क्वेश्चन को करने का ये तरीका हो गया है गलत। ध्यान दो, अगर ऐसे किया तो क्वेश्चन हो जाएगा गलत, है ना, क्योंकि आपने एक बॉल को रखा 4 तरीकों से, दूसरी को रखा 3 तरीकों से, 2 तरीके, 1 तरीके, फिर 0 तरीके, इसका मतलब पांचवी बॉल कभी आप रख ही नहीं रहे हैं, तो ये सवाल करने का मेथड हो गया गलत। अब क्या करें, सही तरीका क्या है? देखो सही तरीका ये है कि सवाल को उल्टा लेके चलो। उल्टा मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास ये 4 बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस, ठीक, इस बॉक्स को भरने के 5 तरीके हैं क्योंकि 5 गेंदे हैं, 5 में से कोई एक यहां रख सकते हो, और इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 4, क्योंकि एक गेंद यहां रख दी तो गेंदे बची 4, अब 4 में से कोई एक यहां रखोगे। अब इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2, 3, और इसके तरीके कितने हो गए, 2। तो सवाल को उल्टा किया, बॉक्सेस को लेके चले कि पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके, फिर 4 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 2 तरीके, उल्टा सवाल सोचा, तो टोटल वेज कितने हो गए, 5 × 4 × 3 × 2, मतलब 120। ये वही टोटल वेज कह लो या टोटल अरेंजमेंट्स कह लो, बात एक ही है, टोटल वेज कह लो या टोटल अरेंजमेंट्स कह लो, बात बराबर है, ध्यान दो, ठीक है। तो यहां से देखो आंसर वही आ गया, मतलब अगर 4 बॉल्स थी और 5 बॉक्सेस, तो ध्यान रखना दोनों डिफरेंट हैं, तो भी आंसर 120 था, और अगर बॉल्स 5 हैं और बॉक्सेस 4 हैं तब भी आंसर 120 ही है,
मतलब लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आई वो ये कि जो चीजें कम हैं उनको लेकर चलना है। जैसे पिछले सवाल जो हमने किया था उसमें बॉल्स थी 4, तो बॉल्स को लेकर चले थे कि भाई एक बॉल को रखने के 5 तरीके, 4 तरीके, 3 तरीके, 2 तरीके, और यहाँ पर बॉक्सेस हैं 4, बॉल्स हैं 5, तो बॉक्सेस को लेके चल रहे हैं कि पहले बॉक्स को भरने के 5 तरीके, फिर 4 तरीके, फिर 3 तरीके, फिर 2 तरीके। मतलब अगर एक जगह पर एक ही चीज़ रखी जाए तो उनको लेकर चलते हैं जो चीज़ें कम होती हैं, और ये भी अपने आप में 120 अरेंजमेंट्स हैं, 120 तरीके, या ऐसा कह लो कि 120 अरेंजमेंट्स, बात बराबर है, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, जैसे हम एक काम करें, एक और सवाल करें, मान लो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, है ना, मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मान लो S1, S2, S3, S4, S5। अब 5 स्टूडेंट्स हैं तो पांचों के पांचों अलग अलग होंगे, ये ऑब्वियस है। 5 आदमी हैं तो पांचों अलग अलग होंगे, 5 लड़के हैं पांचों अलग अलग होंगे, 4 लड़कियां हैं चारों अलग अलग होंगी, 5 स्टूडेंट्स हैं तो ऑल 5s आर डिफरेंट, सारे के सारे अलग अलग होंगे, ऐसा दिया जाए चाहे ना दिया जाए मान के चलना है, ध्यान दो। ठीक है, 5 स्टूडेंट्स हैं, और मान लो हमसे कहा जाए कि 4 आर टेकन एंड, ठीक है, अरेंज्ड इन ए रो। 5 बच्चे थे, कहा जाए 5 में से 4 बच्चों को लिया गया और उनको एक रो में अरेंज किया गया, एक लाइन में उन्हें खड़ा किया गया, है ना। तो बताइए कि टोटल वेज क्या होंगे। टोटल 5 बच्चे थे, कहा जाए कि 4 को लिया गया और उन्हें एक लाइन में खड़ा किया गया, तो बताइए तरीके क्या होंगे। ठीक, अब 5 में से हम कोई भी 4 ले सकते हैं, देखो जैसे 5 में से कोई भी 4 ले सकते हैं। तो मान लिया मैंने कि एक रो है हमारे पास ऐसे करके, ये ऐसे, मतलब हमारे पास मान लिया कि 4 कुर्सियां हैं। आप ऐसा समझ लो कि 5 बच्चे हैं, उनमें से 4 को लेना है और एक लाइन में लगाना है, अरेंज करना है। तो हमने कहा ऐसा मान लो कि भाई यहाँ 4 कुर्सियां पड़ी हैं मैदान में, और 5 बच्चों में से 4 को बैठा करके, 5 बच्चों में से 4 को बुला करके उनको बैठाना है, बात बराबर है। कि मान लो हमारी ये 4 चेयर्स पड़ी हुई हैं एक मैदान में, और वो चेयर्स अपनी जगह पर फिक्स हैं कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 चेयर्स हैं, तो 5 बच्चों को 4 चेयर्स पर बैठाना है, बात बराबर है। जैसे वहां पर 5 गेंदों को 4 डिब्बों में रखना है, ये भी सेम है, मतलब वो सवाल ये सवाल दोनों सेम है, ध्यान दो। 5 में से 4 बच्चों को उठाना और उठा करके उनको एक लाइन में खड़ा करना, या 5 गेंदों को 4 डिब्बों में रखना, या ऐसा कह दो कि 5 आदमियों को 4 कुर्सियों पर बैठाना, बात बराबर है ना, बात बराबर, सारे सवाल सेम है, क्योंकि 5 में से कोई भी 4 हो सकता है। अब तरीका क्या होगा करने का, देखो जैसे पहली चेयर है, इसको भरने के 5 तरीके, दूसरी को भरने के 4 तरीके, फिर हो गया 3 तरीके, फिर हो गया क्या 2 तरीके, तो आंसर क्या हो गया 5, 4, 3, 2, मतलब 120 तरीके, 120 तरीके। तो मतलब अगर 5 आदमी हैं उन्हें 4 कुर्सियों पर बैठाना है तो 120 तरीके, या 5 बच्चे हैं उनमें से 4 को लेकर के अरेंज करना है तो 120 तरीके, 5 अलग अलग किताबें हैं उनमें से 4 किताबों को एक अलमारी में रखना है तो 120 तरीके, है ना, ये सब सेम सवाल है। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब यही सवाल जो हमने एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से किया हर जगह, इसी को करने का एक और बड़ा आसान तरीका हमारे पास होता है। देखो वो तरीका क्या होता है, वो तरीका ये होता है कि अगर हम मान लो कि
एंड डिफरेंट थिंग्स गिवन है, एन अलग अलग चीजें दी गई हैं, है ना, और आर चीजों को लिया गया, आर टेकन एट ए टाइम, आर चीजों को लिया गया, ठीक है, और अरेंज किया गया, आर चीजों को लिया गया और उन आर चीजों को अरेंज किया गया। जैसे यहां पर पांच चीजें थी, चार चीजों को लिया गया, अरेंज किया गया, ऐसा कह दो पांच आदमी थे, चार कुर्सियां पड़ी थी, उनको बैठाना था, एक ही बात है। तो अगर एन डिफरेंट चीजें दी गई हैं और चार उन सॉरी एन डिफरेंट चीजें दी गई हैं, उनमें से आर को लिया गया और अरेंज किया गया, अब ऑब्वियस है आर जो है ये एन से कम ही होगा, क्योंकि तो जितनी चीजें हैं या तो आप सबको लोगे या उसमें से कुछ कम लोगे। तो जो टोटल वेज होते हैं, टोटल वेज होते हैं वो होते हैं एन पी आर, और इसकी वैल्यू होती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल, या इसी को हम टोटल अरेंजमेंट्स भी कहते हैं, या इसी को हम टोटल परमुटेशंस भी कहते हैं। ध्यान दो, टोटल परमुटेशंस, बात बराबर है, मतलब तो देखो यहां पर अब एक शब्द आया परमुटेशन, परमुटेशन, तो मतलब जैसे यही सवाल हम इस मेथड से करते, देखो क्या कि पांच बच्चे हैं n इक्वल टू फाइव और r फोर को लेना है, तो ये क्वेश्चन करते तो क्या आंसर होता, 5p4, और 5p4 की वैल्यू क्या होती, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 4 1 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल क्या होता, 5 4 3 2 1, 1 फैक्टोरियल 1, तो आंसर कितना होता बोलो, 120। देखो यही था, तो मतलब जो हमारे टोटल तरीके थे उनको हम टोटल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं और टोटल परमुटेशंस भी कह सकते हैं, मतलब अरेंजमेंट का ही दूसरा नाम क्या है, परमुटेशन, एक नया शब्द है ना। जैसे हमने कहा कि भाई बैठने का एक तरीका तो एक अरेंजमेंट यानी कि एक परमुटेशन, बैठने का दूसरा तरीका दूसरा अरेंजमेंट या दूसरा परमुटेशन, बैठने के टोटल तरीके 120, तो टोटल अरेंजमेंट 120, टोटल परमुटेशंस 120, तो परमुटेशन का ही दूसरा नाम क्या है बोलो, अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट का ही नया नाम क्या है बोलो, परमुटेशन। तो ध्यान देना ये फार्मूला NPR वाला ये किस काम आता है, ये कहता है कि अगर n चीज़ें दी जाएं और r चीज़ों को उठा करके अरेंज करना है तो ये फार्मूला काम आएगा, या ऐसा कह लो कि n लोग हैं या n गेंदे हैं उन्हें r डिब्बों में रखना है तब भी NPR, अगर n गेंदे हैं उन्हें r डिब्बों में रखना है तब भी NPR, या n लोग हैं उनमें से r लोगों को अरेंज करना, एक ही बात है। मैंने बताया कि पांच गेंदों को चार अलग अलग डिब्बों में रखोगे एक जगह पर एक ही गेंद आए तब भी आंसर 120 था, और पांच बच्चों में चार को लेकर अरेंज करना तब भी आंसर 120 ही था। मतलब NPR के दो मतलब हैं, एक मतलब तो ये कि n चीजों में से r को उठा करके अरेंज करना तब भी NPR, या हमारे पास n गेंदे हैं उन्हें r डिब्बों में रखना है तब भी NPR। अब देखो ध्यान दो, NPR तभी लगेगा जब एक जगह पर एक चीज आ रही है, जैसे यहां पर कंडीशन ये थी कि एक बॉक्स में एक ही चीज रखी जानी है, जब एक बॉक्स में ज्यादा गेंदे आ रही थी तो ये नहीं था, तो आंसर कुछ और था, वो NPR से नहीं निकलेगा। जैसे जो हमने सबसे पहला सवाल किया था कि 10 गेंदे हैं 3 डिब्बे हैं, तो आंसर 3 की पावर 10 था, तो वो 3 की पावर 10 था तो आंसर NPR से नहीं निकलेगा, ध्यान देखना, वो अलग तरीका था, उसमें प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन से सवाल निकल रहा था, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मोर इंपॉर्टेंट है देन परमुटेशन, क्योंकि परमुटेशन तो एक स्पेशल केस में लग रहा है, ये तभी लग रहा है जब एक जगह पर एक ही चीज रखी जाएगी। और हाँ ध्यान देना, जैसे इससे पिछला सवाल जो लिया था उसमें चार गेंदे थी 5 डिब्बे थे, और यहां पर 5 गेंदे हैं 4 डिब्बे हैं, तो मतलब जो एन है और आर है ये हो सकता है, n जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स और r नंबर ऑफ बॉक्सेस हो सकता, उल्टा भी हो सकता है,
एन जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस और आर नंबर ऑफ बॉल्स भी हो सकता, बस ध्यान रखना एन वो होगा जो बड़ा होगा, आर वो होगा जो छोटा होगा। जैसे पांच आदमी हैं और चार कुर्सियां हैं तो उनको बैठने के तरीके 5P4, पांच आदमी, आदमी पांच है कुर्सियां चार हैं तो उनके बैठने के तरीके 5P4। उल्टा होता, आदमी लोग चार होते और कुर्सियां पांच होती तब भी 5P4। तो n जो है वो कुछ भी हो सकता है और r कुछ भी हो सकता है, बस n बड़ा होगा r छोटा होगा या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमने कहा पांच गेंदे होती हो, पांच ही डिब्बे होते तो जो n है 5 वही r हो जाता 5, तो n p r का फार्मूला तब भी काम कर जाता। जितनी गेंदे हैं उतने डिब्बे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक डिब्बे में एक गेंद जा सकती है तो दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो ध्यान देना ये परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो मैंने बताया इसमें दो शब्द हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन का मतलब हमने समझ लिया कि परम्यूटेशन का ही दूसरा नाम अरेंजमेंट, या चीजों को जगहों पर रखना और ऐसे रखना कि एक जगह पर एक ही चीज आए तो उसको भी हम परम्यूटेशन ही कह सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, परम्यूटेशन है ना। तो परम्यूटेशन का मतलब चीजों को रखने के तरीके, एक परम्यूटेशन मतलब एक तरीका, मतलब एक अरेंजमेंट है ना। और ये NPR का फार्मूला हर उस जगह पर लगा सकते हैं जहां एक जगह पर एक ही चीज आएगी। अगर एक डिब्बे में ज्यादा गेंदें जा रही थी तो NPR का फार्मूला काम नहीं करेगा, फिर अपना बेसिक मेथड जो हमने सीखा। तो जो बेसिक मेथड है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि परम्यूटेशन का मतलब क्या। मतलब इसी सवाल को शॉर्टकट से करने का ये एक तरीका है और कुछ नहीं। जो सवाल हम थोड़ा डिटेल मेथड से कर रहे थे कि भाई कैसे कहाँ रखें, पांच तरीके चार तरीके, उसी सवाल को करने का ये एक शॉर्टकट मेथड हमको बताया गया। और परम्यूटेशन कुछ भी नहीं है। परम्यूटेशन का मतलब कुछ चीज़ें दी गई हैं उनमें से कुछ को अरेंज करना है, या ऐसा कर लो कि कुछ चीज़ें दी गई हैं उनको रखने के लिए कुछ जगह हैं, उन चीज़ों को उन जगहों पर अरेंज करना है और ऐसे अरेंज करना है कि एक जगह पर एक ही चीज़ आए तो उसको रखने के लिए हम शॉर्टकट तरीके से NPR को लगा सकते हैं। और NPR की ये वैल्यू होती है, ध्यान रखें इस बात को, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया। तो इसको लिखो बच्चों ध्यान से, और याद रखना हर एक बात को ध्यान से कि कहाँ पर क्या बात इंपॉर्टेंट है। बहुत लॉजिक है और थोड़ा बेसिक से भी हम चलेंगे तो कुछ दिनों में अच्छी बातें सीख जाएंगे, ध्यान रखना, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। ये शुरू में थोड़ा ध्यान रखना है, फिर आगे हम बहुत फ्रीक्वेंटली चलेंगे। ध्यान दो, लिखो बच्चों ध्यान से इसको पहले।